औरैया जिले में रविवार को आंधी के साथ हुई बेमौसम बारिश ने खेती किसानी का काम झटका दिया है। वहीं खेतों में लगा भूसा आंधी में उड़ जाने से किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में आम की फसल को भी तेज हवाओं ने भारी नुकसान पहुंचा दिया। रविवार को मौसम के अचानक करवट लेने से किसानी के काम में गिरावट आ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम तेजी से चल रहा था। अचानक आई तेज आंधी और बारिश किसानों को नुकसान होने के साथ साथ उनका काम भी रोकते गई। बता दें, रविवार को सुबह मौसम साफ और तेज गर्मी होने के कारण किसान फसल की कटाई और मड़ाई का काम तेजी से कर रहे थे। वहीं दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला। आसमान पर पिलाहट के साथ धुंध नजर आने लगी। आंधी आने का अंदेशा जान किसान अपना नुकसान बचाने की जुगत करने लगे, लेकिन कुछ कर पाते इससे पहले ही तेज आंधी चलने लगी। खेतों पर बड़े बड़े भूसों के ढेर देखते ही देखते अन्नदाता के सामने ही उड़ गए। आंधी के साथ हुई बारिश से लगभग 4 से 5 दिन तक कटाई और मड़ाई का काम बंद रहेगा। तेज धूप निकलने पर ही काम शुरू हो सकेगा। आंधी के चलते छोटे पेड़ भी सड़क पर आ गिरे। कुछ किसानों ने भूसा को तिरपाल से ढककर बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आधे से ज्यादा भूसा उड़ चुका था। बहुत नुकसान है, आंधी आ रही, बारिश हो रही है। अच्छा, आपका कितना बड़ा है अभी? हाँ जी, सही। अच्छा, आप गेहूँ कटे होंगे? कुछ पड़े हैं क्या खेतों में? गेहूँ पड़े हैं कुछ। अच्छा अच्छा, कितना नुकसान होगा? वैसे आपके एरिया में कितना गेहूँ पड़ा अभी खेतों में? 50% से ऊपर पड़ा हमारे कटने के लिए। अच्छा, नुकसान ही है अभी? नुकसान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।